मोती लिए हैं, कुछ भी मोती पड़े थे मेरे पास, ये रक्षाबंधन की कुछ तो मैंने निकाल लिया, उसमें से कुछ एक माला पड़ी थी और ये सीट है जो कि मोटी वाली प्लास्टिक सीट, और ये थर्माकोल है, और ये देखिए, और एक बत्ती है फूल बत्ती। बस ये छोटे मोटे आइटम थी हमें बनाने के लिए, फ्लोटिंग कैंडल बनाने के लिए, बहुत ही आसान बनाना, आपको हम दिखाते हैं। फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये देखिए, इस तरीके से गोल गोल हमने काट लिए हैं ये प्लास्टिक की, और आपके पास अगर वो नहीं है, प्लास्टिक सीट नहीं है, तो आपके पास पार्सल डिब्बा वगैरह अगर इस तरीके का कुछ पड़ा है तो आप इसको उसको भी ले सकते हैं। इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिल्वर फाइल में ले सकते हैं इसमें, तो अगर सिल्वर फाइल तो सबके घर में होती है, और सिल्वर फाइल नहीं है तो फिर आपको कुछ जुगाड़ देखने होगी, तो क्योंकि पेपर लेंगे तो पेपर तो जल जाएगा और गीला हो जाएगा उसमें पानी में, तो गल जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे उसकी। तरीके की अगर कोई प्लास्टिक है तो वो ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो सिल्वर फाइल ले सकते हैं, सिल्वर फाइल नहीं है तो और कुछ देख लें। ये देखिए, ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर हमने हल्का सा गर्म कर लिया था इसको, तो आप किसी भी चीज़ से इस तरीके से छेद कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने हल्का सा गर्म करके गैस को, और इसको मैं होल कर दिए, होल कर दिए फोन में, इसके अंदर हम बताएंगे क्या करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम जो फूल बत्ती है वो डाल देंगे और इसको हल्का सा खींच लेंगे तो टाइट हो जाएंगी। देखिए सारी इस तरीके से, एक में हमने पांच करे हैं, आप चाहो तो छह कर सकते हैं, सात कर सकते हैं, या थोड़ा बड़ा छोटा, लेकिन इसको बीचों बीच रखना है, साइड में नहीं ले जाना है, ना तो आपका हमारा गिलास का जो कांच का गिलास है वो गर्म होने लग जाएगा। ये देखिए, तो बीचों बीच में रखना है, साइड में ज़्यादा नहीं ले जाना है। ये हमने मोती डाल दी, जो हमने मोती आपको दिखाए थे वो डाल दिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और हमने थर्माकोल जो बिनबैग है, बिनबैग के थर्माकोल थोड़े पड़े थे मेरे पास, तो वो हमने इसमें डाल दिए। तो आप अगर वो नहीं है तो आपके पास थर्माकोल का टुकड़ा पड़ा तो उसमें से भी आप बनाकर डाल सकते हैं, हल्का सा हाथ से मिलेंगे तो वैसे ही बन जाती है थर्माकोल के लिए। ये देखिए गोली टाइप में, और ये हमने जो थर्माकोल भरा है वो छोटे वाले गिलास में, और इसको हमने दूसरे गिलास के ऊपर रख दिया। ये देखिए, और अभी जो हम जलाएंगे उसके बाद देखने इसका नज़ारा, क्या नज़ारा होगा दिखाएंगे कैसे हमने बनाया। और ये हमने बस जैसे इसमें वो करा था वैसे उसमें भी हमने वो डाल दिए हैं मोती जो बचे वो, और ये बत्ती को हमने इस तरीके से डोब लिया है एक साइड से, और हमने ये तेल डाल दिया। तेल आपके पास जो भी तेल है वो आप इसमें डाल दें, तेल घी जो भी आप डालना चाहें। देखिए, और ये तो हमने ज़्यादा डाला तो थोड़ी देर ज़्यादा चलेगा, इस तरीके से तेल में डोब के और निकाल के इसको हम ट्रक लगा देंगे। एक बत्ती निकल के वापस लगा देते हैं उसमें, वापस गिलास में डाल दिया। अंदर गिलास के अंदर पानी है, तो आपको हमने जो दिया था गिलास के अंदर पानी लिया है, और ऊपर से तेल डाला है, जो थर्माकोल है, थर्माकोल पहले एक पानी भर रखा था हमने उसमें, गिलास में पानी है, ऐसे उनको पता नहीं गिलास के अंदर क्या था, तो गिलास के अंदर पानी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, और इसको हम जला लेते हैं। आप देखने इसका नज़ारा, तो इस यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है तो पूरा देखना जरूर, जब समझ में आएगा कि कैसे इसको लग रहा है और कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम इसको रख सकते हैं तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसको हम जला लेते हैं, अभी तो चल रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे जब, ये देखिए दोनों जला के फिर हम दिखाते हैं। अभी आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, अभी आप साइड से देखेंगे तो चार चांद लग जाएंगे इसमें। ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपके लिए मैं साइड से, ये देखिए तो अभी तो चल रहा है, ये देखिए साइड से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहा है, ये कैंडल जल रहे हैं, और ये देखिए ये साइड में नीचे क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मच्छी या कुछ हो, और लेकिन हमने वो जो डाले थे, ये देखिए थर्माकोल रखे हुए दिख रहा है नीचे, ये भी खाई है डोरी अंदर, उसके अंदर हमने जो डाले हैं वो मोती हैं, तो कोई भी आपके पास मोती वगैरह पड़े हैं तो आप इसमें डाल दें, और हमने और कुछ भी नहीं डाला इसमें, कोई कलर यूज नहीं किया है, कुछ ही यूज नहीं किया है, बगैर कलर के। आप लोग चाहते हैं और दिखाऊँ आप लोगों के लिए और अलग अलग तरीके से दिखाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो आप लोगों को और अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और देखिए, अलग अलग एंगल पे कहीं भी रखें, आप गेट के सामने रखें, सीढ़ी पे रखें, या आप कहीं भी रखें,
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। अगर आपने डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से चला के रख दिया ना, तो लोगों को ये बोलेंगे कि आप ये कहाँ से लेके आए हैं, कितने में लेके आए हैं, किसी को पकड़ नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे बनाए हैं, कोई नहीं। तो ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। ये देखें हमने बाहर रखा, बाहर भी इतना प्यारा लग रहा है। तो बस हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा।